हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं संगीता, मेरे चैनल का नाम है मनीषा फैमिली चैनल। और मैं आज का ब्लॉग जो है मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूं। और सुबह सुबह मैं बना रही हूं, कल जो मैं बनाई थी चावल का आटा जो पिसवाई थी, तो उसी का आटा जो है थोड़ा सा बच गया था, तो मैं उसी आटा का चावल का फरा बनाऊंगी। यानी कहीं कहीं फरा बोलते हैं और हमारे बंगाली में जो है इसको पीठा बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और जो जो मसाले होते हैं रूटीन के वो भी मैं आधा चम्मच करके ले लूँगी। और इसमें मैं मसाले को भून लूँगी थोड़ी देर। तो ये तेल में डालते ही भून गया था मसाले, तो इसमें मैं बॉयल आलू 4-5 डाल देती हूँ इसको मैश करके। तो हाँ, ये जो है ये मंडे का क्लिप है, तो मंडे का क्लिप था और मैं इसको वेनेसडे को डालूँगी इस ब्लॉग को। तो जैसे आप आलू के पराठे के लिए स्टफिंग बनाते हैं ना, ऐसे ही स्टफिंग एक बना लूँगी मैं पीठा के लिए। तो ये हमारा आलू और मसाला जो है अच्छी तरह भून गया है, और हम इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो फिर मुझे बाद में याद आया, तो फिर मैं बाद में नमक भी इसमें डाल देती हूँ। तो ये अभी हमारा आलू बिल्कुल भी तैयार है, तो इसको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ पहले। और सेम कढ़ाई में मैं थोड़ा सा इसमें तेल लूँगी, तेल और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि इसमें तेल डाल दूंगी उसके बाद मैं पानी डाल दूंगी, क्योंकि इसी पानी से हम चावल का आटा जो है उसको मिला लेंगे। नहीं तो तेल नहीं डालने से आप तेल जो है स्किप कर सकते हैं, पर अभी मैं तेल डाल देती हूं, क्योंकि ये अच्छा से ये मुलायम से एक आटा जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा गूंद के। तो अभी मैं पानी और चावल के आटा को इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद मैं, तो अभी ये देख सकते हैं अभी ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको उतार दूँगी नीचे और कुछ देर इसको ठंडा होने तक फिर इस बस मैं ये आटा को जैसे आटा लगाते हैं इसी तरह से मैं धीरे धीरे ये चावल के आटा को अच्छी तरह से लगा लेती हूँ। और हाँ, इस चावल के आटे को जो है मैं कल ना इसको कढ़ाई में थोड़ा सा भून के रख ली थी, नहीं तो ये ख़राब हो जाता, क्योंकि बिना फ्रिज के बाहर रखने से ख़राब हो जाता है ये आटा। इसी वजह से मैं कल शाम को ही थोड़ा सा भून ली थी। और अभी ये हमारा आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट करके मैंने लगा लिया है, और इसको मैं थोड़ा सा बेल लेती हूँ आटे को इस तरह का। और इसमें एक चम्मच आलू का जो है स्टफिंग डाल देती हूँ और इस तरह से किनारे किनारे मैं दबा देती हूँ, ताकि इसमें से आलू जो है निकले ना। तो ये देखिए इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, और ये ना बेलने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसी बेलोगे ना इसको तो ये चिपक जाएगा, फट भी जाएगा, इसी वजह से ये आराम से बेलना पड़ता है। तो ये मैं इसमें भी अभी आलू डाल देती हूँ। और अगर आपको बेलने में दिक्कत है तो इस तरीके से आप हाथों से इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी मैंने गोला बना लिया है, इसमें एक चम्मच स्टफिंग डाल दिया है मैंने, और ये किनारे किनारे मोड़ दबा दिया है। तो इसी तरीके से मैं सारा जो है बना ली थी, और इसको मैं 10 मिनट के लिए कपड़ा ढक के रख दी थी। और अभी मैंने पतीले में पानी लिया है, तो अभी पानी को मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो ये जैसे ही हमारा पानी, इसको उबाल लेना है पानी को, और बिल्कुल गैस जो है हमारा तेज रहेगा। तो इसमें मैं पीठा जो है एक एक करके डाल देती हूँ, और
जितना आएगा इसमें पीठा उतना ही मैं डालूँगी, जैसे 4 या 5 पतीले के अनुसार। जैसे बड़ा पतीला है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको मैं एक तरीके से ये बना रही हूँ पानी में उबाल के। और ये देखिए अभी हमारा गैस जो है पूरा मतलब तेज़ है, इसको मीडियम पे मैंने नहीं किया है। तो ये 5-6 मिनट बाद ये अभी बन चुका था, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और एक तरीके से जैसे पतीले में पानी गर्म हो गया था, गर्म ही पानी था, उसी पानी में मैंने एक कॉटन का कपड़ा बांध दिया है, उसी के ऊपर से मैं पीठा को रख देती हूँ, 4-5 जितने आएंगे। तो आप ना इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसे कॉटन के कपड़े से और इस तरीके से, या छन्नी है ना आपके पास तो छन्नी के भाप से भी बना सकते हो। तो छन्नी नहीं था मेरे पास, तो मैं कॉटन का कपड़ा बांध देती हूँ पतीले में, और उसमें जितना आएगा 4-5 पीठा उसको मैं रख के और ऊपर से ढक देती हूँ। तो अभी ये देखिए मैंने ढक दिया है, और इसका भाप जो है निकल रहा था तो मैं ऊपर से भरा हुआ जग रख दी थी। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा ना टाइम लगता है, जैसे उस पतीले के पानी में इसमें 6-7 मिनट में हो गया था, इसमें 10-11 मिनट हो गया। तो ऐसे में अच्छा लगा मेरे को, तो इसी तरीके से मैं बाकी का पीठा जो है वो बना ली थी सारा। तो एक दो बार और होगा तो इसी तरह से मैं बना लूँगी, और भरा हुआ जग का पानी रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारा पीठा जो है, चावल के आटे का पीठा या फरा आप जो भी बोलते हैं, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपका खाने का मन करे तो। तो मेरा ये बन गया था पीठा और बहुत टेस्टी लगा था, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप सब से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, और कैसे हैं आप सब। तो सुबह, आज सुबह मंडे है, आज सुबह मैं बना ली थी पीठा, जो कल का आटा चावल का आटा बच गया था उसी का मैं पीठा बना ली थी। और दोपहर का खाना हम लोग का हो गया है, और खाने में मैं आज सिंपल दाल चावल बनाई थी। और शाम को अभी देखती हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँगी, शाम को तो वैसे कुछ सब्ज़ी है नहीं, तो देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। और अभी हम लोग का सबका खाना पीना हो गया है, अभी बर्तन मैं नहीं धोई हूँ, मैं सोची आप सबसे थोड़ा बात कर लेती हूँ फिर बर्तन वगैरह धुलूँगी। और तो ना आज बहुत मौसम, ना ज़्यादा धूप निकला है ना बारिश आ रहा है, मतलब बहुत गर्मी जैसा कर रहा है, और गर्मी भी बहुत लग रही है। अभी आप देख सकते हैं गर्मी बहुत है, क्योंकि मैंने फ़ैन जो है ऑफ कर दिया अभी। और तो बस अभी मैं जा रही बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ शाम को। तो मैं आपसे बात करने के बाद थोड़ा सा जो है बच्चों के साथ लूडो खेल ली थी, और ये गैस का बर्नर मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, और अभी बर्तन का ढेर जो है आप देख सकते हैं। तो नल में पानी नहीं आ रहा था, तो मुझे अभी बाल्टी का पानी से धोना पड़ता है, और नल में पानी नहीं आता है ना तो बहुत दिक्कत होता है बाल्टी से मग से पानी ले कर धोना। तो अभी मेरे सारे बर्तन जो है धुल चुके थे, और इसके बाद मैं बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर मैं ना सो गई थी, और ये इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग का मैं चाय बना रही थी, और बिस्कुट ये डुगू को मैं बिस्कुट दे रही थी क्योंकि डुगू को जो है भूख लग गया था। तो ऐसे 2-4 पैकेट मैं ना घर पे रख लेती हूँ बिस्किट, क्योंकि वो जिद करने लग जाता है, और जिद ऐसा करता है ना वो मतलब रोने ही लगता है, चुप होता ही नहीं है। तो इसी वजह से मैं बिस्किट रख लेती हूँ, और अभी डुगू को दे देती हूँ बिस्किट। तो ये बिस्किट ना पानी के साथ खाता है। और ये देखिए यहाँ पे डुगू का काम, मैं फ़ोन आया तो मैं थोड़ा सा बात करने लग गई, तो यहाँ पे डुगू जो है बिस्किट खाया, वो वाला बर्तन धोने लग गया। और डुगू कौन धोने बोला बर्तन तुमको, डुगू कौन धोने बोला तुमको बर्तन, खुद से क्यों धो रहे हो, हम तुमको बोल रहे हैं बर्तन धोने के लिए। तो ये हम लोग का नया हाउस हेल्पर है, और कपड़े धोने वाला साबुन से बर्तन धोने लग गया है।
तो अभी देखें आप सब टुग्गू का काम। और मैं इस वीडियो के ही पे एंड करती हूँ। अगर आप सबको पसंद आए तो टुग्गू के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टुग्गू के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है, और उससे और हिम्मत बढ़ जाती है कि नया वीडियो बनाने में।